नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरों को देते हैं विस्तार। भाजपा बासौदा मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर दुबे के नेतृत्व में 40-50 लोगों की उपस्थिति में प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार, अघोषित विद्युत कटौती को लेकर प्रांतीय आह्वान पर विधानसभा स्तर पर धरना दिया गया। प्रस्तुत है गंज बासौदा से एलन चौबे की यह रिपोर्ट। स्वच्छता की बड़ी बड़ी बातें करने वाली पार्टी के प्रतिनिधि में स्वच्छता को लेकर उदासीनता देखी। कार्यक्रम के पश्चात यहां गंदगी देखने को मिली। धरना में प्रमुख रूप से पार्टी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह जादौन, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र मीणा, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गजेंद्र रघुवंशी, जगदीश झा, चंद्रशेखर दुबे उपस्थित रहे। क्या किया तुम लोग? यहाँ तक है अभी 10 साल कांग्रेस की सरकार आई है, तब से मध्य प्रदेश के किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं दो जुड़वा भाइयों की हत्या कर दी गई, लाइन ऑर्डर खराब है। मध्य प्रदेश की सरकार इन 3 महीनों में पूरी तरह विफल हुई है और मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल हो गया है। उसके खिलाफ में आज मध्य प्रदेश में पूरे जगह विधानसभा स्तरों पर धरना दिया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के जब OSD और राजनीतिक सलाहकार भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो मध्य प्रदेश की सरकार से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इसके विरोध में आज मध्य प्रदेश में पूरे जगह धरना दिया गया। विदिशा एवं गंज बासौदा में रामनवमी के अवसर पर रघुवंशी समाज द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में आकर्षण झांकी सजाई गई एवं राजस्थान तथा जबलपुर से आए कलाकारों ने जनता का मनोरंजन किया। बड़ी संख्या में गांव-गांव से रघुवंशी समाज के युवा और वरिष्ठ जन शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई रघुवंशी धर्मशाला पहुंची, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की आरती की गई तथा प्रसाद वितरण किया गया। विगत 12 साल से सफलता से हम लोग चल समारोह का आयोजन कर रहे हैं और यहां पे विदिशा विधानसभा के लगभग सभी गाँव से सभी लोग आते हैं और धर्म का लाभ देते हैं। और ये रघुवंशी धर्मशाला से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से निकलता हुआ और वापस रघुवंशी धर्मशाला आता है, जिसमें विभिन्न समाज के सभी लोग जल समारोह का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और धर्म का लाभ। धर्म का लाभ। नमस्कार, और अब हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।